हेलो एवरीवन, चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। अब वो बेसिकली हमने जो हेरिडिटी पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट है। अभी फर्स्ट में मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस के बारे में बताया, हेरिडिटी और जेनेटिक्स के बारे में बताया। आज का जो टॉपिक है वो है मेंडेलियन हिट्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पे इसने अपना वर्क कैसे किया। मेंडेल ने बेसिकली एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जॉर्ज जोहान मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला था। इन्हीं ने क्या किया था, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने स्टडी किया किसके ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस के जितने भी केसेस हैं इन्होंने इस पर स्टडी किया और उसको बताया और चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि बेसिकली जो वर्क करती है कैसे। ठीक है, इसे पढ़ेंगे यार, देखते हैं। मेंडल इन हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। सो जॉर्ज जोहान मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनहेरिटेंस प्लांट की ब्रीडिंग पर पढ़ना स्टार्ट किया। इन्होंने प्लांट्स को लिया और उनकी स्टडी करी और उनमें देखा कि कैसे चेंजेज आते हैं। ठीक है, जॉर्ज जोहान मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। अब देखते हैं कि बेसिकली इन्होंने क्या स्टडी किया था और उसको हम कैसे पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इसको कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल। मेंडल यूज पिसम सैटियम। इन्होंने क्या लिया, एक प्लांट लिया जिसे बोलते हैं पिसम सैटियम। अभी पिसम सैटियम आपको पता होगा, ये साइंटिफिक नेम है गार्डन पी का, मटर का। इन्होंने मटर लिया और मटर के ऊपर इन्होंने स्टडी करी। मेंडल यूज पिसम सैटियम, साइंटिफिक नेम होता है इसका पिसम सैटियम। क्या बोलते हैं हम इसे, पिसम सैटियम। तो बेसिकली ये गार्डन पी है। तो मेंडल यूज पिसम सैटियम गार्डन पी एंड यूज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। और इन्होंने क्या किया, मटर के डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स को लिया और उनको स्टडी किया। अब जैसे कुछ करेक्टर्स हैं यहाँ पे, देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे। अब इन्होंने कुछ करेक्टर्स लिए। करेक्टर्स क्या है, तो पहला लिया इन्होंने सीड की शेप। इन्होंने देखा कि भाई सीड की शेप कैसी है। चलो इन्होंने डोमिनेंट रेट देखी, राउंड है। अब क्या मतलब, सपोज करो आप 100 मटर के दाने ले लेते, आपने 100 मटर के पीसेस लिए, 100 में से 80 दाने ऐसे थे जिनका बीज जो है, जिनका जो सीड का शेप है वो राउंड का। तो भाई ज्यादा तो ये होगा ना, और 20 ऐसे आए जिनका जो सीड का शेप है वो टेढ़ी मेढ़ी गई। तो भाई देखो 80 ज्यादा है तो इनका डोमिनेंस हो गया, तो ये हो गई डोमिनेंट रेट। तो सीड शेप इन्होंने ली और इन्होंने देखा कि डोमिनेंट रेट जो आ रही है, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड की शेप है वो क्या है, राउंड है, इसलिए इन्होंने इसको रखा डोमिनेंट रेट। और रिसेसिव का मतलब भाई देखो यहाँ पे जैसे 100 में से 80 तो राउंड हो गए, 20 के हैं कम है, तो ये रिसेसिव है। तो ये कैसी थी, रिंकल थी, टेढ़े मेढ़े बीज। तो सीड शेप कैसा हुआ, राउंड, डोमिनेंट और रिंकल, रिसेसिव। अब इन्होंने सीड का कलर देखा कि भाई बीज का कलर कैसा है। तो डोमिनेंट जो रहे, यानी कि जैसे भी इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ, 80 सीड कैसे रहे राउंड, तो उनका जो कलर आया वो येलो आया, तो ये भी डोमिनेंट हो गए। और जो 20 टेढ़े मेढ़े बीज थे, यानी कि जो सीड्स थे, उनका कलर आया ग्रीन, तो ये रिसेसिव हो गया। तो ये येलो हो गया और ये ग्रीन, तो येलो हो गया डोमिनेंट और ग्रीन हो गया रिसेसिव। अब इसके बाद इन्होंने फ्लावर का कलर देखा कि भाई इसके फूल का कलर कैसा आता है। तो जो डोमिनेंट रहे, यानी कि जो ज्यादातर आए, वो आए कैसे कलर के, वॉयलेट कलर के। किस तरीके के आए, वॉयलेट कलर। और जो कम तरीके के आए वो कौन से आए, वाइट कलर में। तो रिसेसिव कौन सा हो गया, वाइट, और डोमिनेंट कौन सा हो गया, वॉयलेट। अब इसके बाद इन्होंने देखा पॉड शेप। पॉड शेप मीन्स कि वो पौधा बड़ा कितना, उसकी लंबाई कैसी रही। तो भाई ज्यादातर जो पौधे रहे वो क्या रहे, लंबे रहे, फुल रहे, तो उसको बोलते हैं इनफ्लेटेड या फिर फुल, लंबे से बोल सकते हैं लंबे। अब उसके बाद
रिसेसिव में क्या हुआ है, रिसेसिव में आया भाई कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड मींस छोटे, तो देखा डोमिनेंट क्या रहा, स्ट्रेट पॉड शेप का लंबे, और बेसिकली रिसेसिव क्या रहा शॉर्ट, या कॉन्स्ट्रिक्टेड बोलते हैं छोट। अब पॉड का कलर कैसा था भाई, पॉड का कलर, फिफ्थ चीज जो इसमें पूछी जाएगी आपसे, पूछी जाएगी पॉड कलर, तो पॉड का कलर भी पूछ सकते हैं आपसे। तो जो पॉड का कलर रहा वो कैसा रहा, ग्रीन। आपने देखा मटर के दानों का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है ज्यादातर, जो कुछ थोड़े बहुत बच जाते हैं उनका कलर येलो। तो एक जगह कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार बच्चे हो जाते हैं, पॉड कलर ग्रीन है वो डोमिनेंट है, येलो क्या है रिसेसिव। सीड कलर पूछा जाएगा तो यहाँ पे येलो डोमिनेंट होगा और ग्रीन रिसेसिव होगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आई, छह करेक्टर्स के ऊपर यहाँ पे हमने मेन पांच करेक्टर्स लिए हैं इसमें, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर। तो भाई सीड शेप जब देखा तो जो डोमिनेंट आया वो कौन सा आया, राउंड, जो कम आया रिसेसिव वो रिंकल, जो सीड कलर आया वो डोमिनेंट आया येलो, जो रिसेसिव आया वो ग्रीन, जो फ्लावर कलर आया वो वायलेट, और जो रिसेसिव आया वो वाइट, जो पॉड शेप आई वो इन्फ्लेटेड आई फुल, और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड आई। पॉड कलर ग्रीन, ये पॉड कलर कैसा आया, छोटा। समझ आया आप लोगों को, तो यहाँ पे ये कैरेक्टर्स लिए गए। अब एक कैरेक्टर और इन्होंने यहाँ पे लिया, कौन सा, कि भाई पोजीशन कैसी है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है, फ्लावर का कलर कैसा है, वॉयलेट है वो डोमिनेंट है, वाइट है वो रिसेसिव है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है। वो जो डोमिनेंट रहे एक्सेल रहे यानी कि सीधे रहे, और टर्मिनल यानी कि ये रिसेसिव रहा यानी कि टेढ़े मेढ़े झुके हुए पौधे, जो मोस्टली फ्लावर की पोजीशन रही वो लंबी रही सीधे रहे। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल का मतलब रहा क्या, एक स्ट्रेट पौधा, और टर्मिनल का क्या रहा, ये टेढ़े मेढ़े होते रहे, तो ये चीजें रही। अब डोमिनेंट क्या रहा एक्सेल, और रिसेसिव क्या रहा टर्मिनल, सब कुछ समझ आया। नेक्स्ट, अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या किया भाई, मेंडल ने अब अपना एक्सपेरिमेंट कैसे फील किया और उसने क्या किया, तो कहता मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने क्या किया, इनको क्रॉस करा। अब प्लांट्स को लेके वो क्या करता है, इन करेक्टर्स की हेल्प से वो उसको क्रॉस करेगा, मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट बाय टू स्टडी वन करेक्टर एट अ टाइम। इसने एक एक करेक्टर को स्टडी करने के लिए क्या किया, इनको क्रॉस करना, ठीक है, जैसे अब ह्यूमन क्रॉस करते हैं तो बेसिकली बेबी बॉर्न होता है, उसी तरीके से मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने कंडक्ट किया सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट, कि वो स्टडी कर सके वन कैरेक्टर, टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसने क्या किया भाई, अंकल जी ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराई आपके, भाई मेंडल अंकल आए, मेंडल अंकल ने कहा मैं पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराऊंगा भाई। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे मेंडल अंकल, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो गया भाई, क्रॉस कराया बिटवीन टू पी प्लांट, भाई दो प्लांट ले लिए मटर के विद वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और उनका एक पेयर पकड़ लिया कि कोई एक पेयर से मैं क्या करूंगा, क्रॉस कराऊंगा लेके। तो जब आप सिंगल कैरेक्टर को लेके चलते हैं, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, मोनो का मतलब ही होता है क्या सिंगल, तो मोनो हाइब्रिड का मतलब हो गया सिंगल कैरेक्टर। तो क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट, भाई क्रॉस करा दिया बिटवीन टू पी प्लांट विद वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें एक पेयर क्या रहा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का रहा, इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल, क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्राफ्ट प्लांट, मेंडल अंकल कहेंगे आओ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लंबे बच्चे को लेंगे और छोटे बच्चे को लेंगे। अब इन्होंने क्या किया, एक लंबा ले लिया भाई बच्चा, कौन सा मटर का, टॉल पी प्लांट, और एक ले लिया ड्राफ्ट दैट इज शॉर्ट, ठीक है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अभी आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी तो
इधर एक दो वर्ड आएंगे, फिनोटाइपिक। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपेयरेंस, क्या फिजिकली कैसे आएंगे, और जीनोटाइपिक का मतलब है कि जेनेटिक मेकअप, कि जीन्स कैसे इसमें अरेंज है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना शुरू करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई एम गोइंग टू स्टार्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है ये देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम कुछ चीजें लेंगे। पहले लेंगे पेरेंट्स। एक बच्चा तो जब ही बॉर्न होगा ना, जब बेसिकली पेरेंट्स होंगे। तो यहाँ पे पेरेंट्स कैसे हैं, एक टॉल प्लांट ले लिया और एक शॉर्ट प्लांट ले लिया। अब इनके पेयर्स लेंगे और जीन्स। नेक्स्ट हमने क्या लिया, पेयर ऑफ जीन्स। तो भाई जो लंबे हैं इनके पेयर हैं टीटी, और जो छोटे हैं इनके पेयर हैं स्मॉल टीटी। अब इनके गैमेट्स की बात करते हैं कि भाई इनके गैमेट्स क्या हुए। तो ये हो गया, तो इनसे कौन सी जनरेशन आई, अब F1 जनरेशन क्या आएगी। तो बेटा देखो यहाँ पर, अब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया किसने, मेंडल अंकल ने कराया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने कहा भाई पेरेंट्स लेता हूँ, एक लंबा और एक छोटा। अब उनके जीन्स निकाल लिए, एक भाई जो लंबे होंगे उनके कैपिटल टी टी, टी टी का मतलब है भाई, ये टी टी का मतलब टॉल, ये स्मॉल टी टी का मतलब इसके जीन्स शॉर्ट। तो अब हमने इनके एक एक कैरेक्टर दिए और इनको क्या करा, क्रॉस करा दिया। तो जब आपने इनको क्रॉस कराया तो आपने देखा एक टी और टी मिलके क्या बनाता है ये। तो जब ऐसा टी टी आ गया, दैट इज भाई कैपिटल टी टॉल, सॉरी कैपिटल टी टॉल स्मॉल टी शॉर्ट। तो जब टी और टी आ गए तो यहाँ पे ये क्या बन गए, सारे टॉल प्लांट। तो जो F1 जनरेशन आई ना भाई, जो फर्स्ट जनरेशन पैदा हुई, वही सारी किसकी, टॉल प्लांट्स की। ऑल क्या आ गए, टॉल प्लांट्स, ऑल आर टॉल प्लांट्स। अब इस F1 जनरेशन को कुछ बोला जाता है, इस F1 जनरेशन को बोला जाता है फर्स्ट फीलर जनरेशन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फीलर जनरेशन। समझ आया बेटा, अब फर्स्ट फीलर जनरेशन बोलते हैं। अब इसके बाद हम इसकी सेकेंड जनरेशन फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसको, ये था क्रॉस पॉलिनेशन, अब हम इसको कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये खुद सेल्फ कैसे पॉलिनेटेड होंगे, एक बार जल्दी से देख लीजिए क्या किया। टॉल प्लांट्स और शॉर्ट प्लांट्स को हमने क्रॉस कराया, इनके पेयर ऑफ जीन्स लिए, दैट इज टी टी एंड स्मॉल टी टी। तो ये गैमेट्स हो गए। जब इसको क्रॉस किया तो हमारे पास आया टी टी। इसमें सारी जो जनरेशन हमारे पास आई वो आई टॉल प्लांट्स की। कौन सी आई बेटा, टॉल प्लांट्स की आई। अब नेक्स्ट आएगा सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ कैसे पॉलिनेट कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। तो यहां पे देखो बेटा, अभी आपके पास F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स आ गए। अब हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो भाई सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया हमने किसका, ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ऑफ फर्स्ट जनरेशन। भाई फर्स्ट जनरेशन को आप सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हो। इनके गैमेट्स भी आएंगे आपके पास कुछ। अब इनके गैमेट्स क्या आएंगे, क्या है इनके पास गैमेट्स, दैट इज टी टी।
इन टू, इसके भी गैमेट्स आएंगे, ये आ गए। जब ये आ गया तब हमने इससे सेकेंड जनरेशन निकाली। अब हमने इससे कौन सी फाइंड कर ली, जनरेशन सेकेंड जनरेशन एफ टू जनरेशन। अब यहाँ से हमारे पास सेकेंड पीढ़ी आएगी, दैट इज सेकेंड जनरेशन। वो कैसे आएगी, अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे। भाई देखो मैंने गैमेट्स लिए, क्या है गैमेट्स, एक का टॉल एक का शॉर्ट, एक का टॉल एक का शॉर्ट। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इन्हें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, टी टी, इसमें भी आया टी और टी। जब आपने इसको किया तो ये भी आ गया टी टी, पर जब आपने इसको इसके साथ किया तो आया टी। तो यहां पे टी टी, ये टी टी और बेसिकली टी टी, इनका क्या मतलब, अगर दोनों कैपिटल टी है इट मीन्स जो प्लांट है वो टॉल है। अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है इसका मतलब भी प्लांट टॉल है। अगर दोनों का स्मॉल टी है इसका मतलब है कि प्लांट शॉर्ट है। तो क्या आया, प्लांट शॉर्ट है। ठीक है बेटा, देखो क्या किया भाई, हमने इनके जीन्स लिए, इनके जीन्स को हमने क्रॉस किया तो कैपिटल टी टी आ गया, कैपिटल डी स्मॉल टी स्मॉल टी टी। अब इससे जो जनरेशन हमारे पास आई, वो तो जनरेशन आई कौन सी, अगर कैपिटल टी टी आया तो टॉल, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया तो टॉल, और अगर दोनों स्मॉल टी आए दैट इज शॉर्ट। तो यहां से दो चीजें आई, दैट इज फीनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो हमें यहां से दो चीजें मिलनी चाहिए, दैट इज फीनोटाइपिक रेशियो और एक जीनोटाइपिक रेशियो। फीनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, फीनोटाइपिक रेशियो अभी मैंने आपको बताया कि भाई फिजिकली ये कैसे दिखेगा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि फीनोटाइपिक का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, क्या होता है फिजिकल अपीयरेंस, के फिजिकली कैसे दिखेंगे। जीनोटाइपिक का मतलब जेनेटिक मेकअप। तो भाई देखो फिजिकली कैसे हैं, एक दो तीन, तो ये 3:1 का रेशियो आएगा, दैट इज 3:1 का रेशियो। यहाँ पे रेशियो आएगा 3:1 का, क्यों भाई, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा तीन तो क्या बन गए, अगर मैं इसको भी लूं टॉल 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 तो तीन तो बन गए टॉल, और एक क्या बन गया शॉर्ट। इट मीन 75% टॉल है सेकेंड जनरेशन में और 25% शॉर्ट है। फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल थे। अब इनका जेनेटिक मेकअप कैसे आया, जेनेटिक मेकअप मीन्स कि भाई ये टी टी इज टू टी टी और ये, तो आप देख सकते हैं इसमें ऊपर ये एक ही क्या आया कैपिटल टी टी, दो आए कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ और एक आया स्मॉल टी। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ जीन्स का, 2:1:2:1। आपका जेनेटिक रेशियो क्या आया, 1:2:1 आ गया। ये सी समझ आई आपको, चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल आए थे, हमने उनको फिर क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, इट मीन्स क्रॉस कराया। उनके गैमेट्स को जो मैंने क्रॉस कराया तो आपने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आ गया। जब हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आया इसमें हमने देखा कि भाई अगर कैपिटल टी टी आएगा तो टॉल, स्मॉल टी टी आएगा तो भी टॉल हो जाएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी तब भी ये टॉल हो जाएगा, और अगर दोनों ही स्मॉल टी आ गए तो फिर शॉर्ट हो। फिर इनका हमने फिनोटाइपिक रेशियो देखा, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस 3:1, दैट इज 75% टॉल है 25% शॉर्ट है। जीनोटाइपिक रेशियो देखा तो कैपिटल टी टी का 1 के ऊपर भी क्या है 1, अब 2 क्या आते हैं ये वाले कैपिटल टी स्मॉल टी, और सिंगल क्या था टी टी, दैट इज 1:2:1।
है। तो बेसिकली बेटा अब हम अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस, आपको समझ आ गए, पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्व क्या किया है इसमें। अब मेंडल ने ऑब्जर्व क्या किया इसमें से, मेंडल ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंडल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, लोगों को समझ आ जाएगी। ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड पेयर्स, कि भाई मोनोहाइब्रिड से मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, इसने कहा ऑल एफ वन प्रोगेन, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन है वह टॉल, सारी ही क्या है लंबी है, नो मीडियम हाइट प्लांट, भाई सारे टॉल आए थे और कोई मीडियम हाइट प्लांट नहीं है, नो मीडियम हाइट प्लांट। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, जब हमने किया अभी जस्ट ऊपर ही किया ये देखिए, तो थ्री तो क्या है भाई, 1/4 वर शॉर्ट एंड 3/4 वर टॉल, इन सेकेंड जनरेशन 3/4 वर टॉल लंबे और 1/4 वर शॉर्ट। फिनोटाइपिक रेशियो भी आपने इसके ऑब्जर्वेशन में देख लिया क्या आया, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो आया 1:2:2। तो ये ऑब्जर्वेशन थी, कुछ कंक्लूजन पे भी आया। इसके बाद मेंडल की कुछ कंक्लूजन पे आते हैं, वो देखते हैं मेंडल की कंक्लूजन क्या थे। तो मेंडल ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करी कि भाई क्या कंक्लूजन, मेंडल यहाँ से कुछ कंक्लूजन पे आते हैं। अब क्या मतलब, कहते टी कैपिटल टी टी एंड स्मॉल टी टी जो है आर टॉल प्लांट्स, के भाई ये वाला तो लंबा और ये वाला, वाइल टी टी इज शॉर्ट प्लांट। सेकेंड, अब ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा, अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ, ये काफी है टू मेक द प्लांट टॉल, वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। देखो बेटा अगर ये कैपिटल टी टी है तो प्लांट कैसे होंगे टॉल, स्मॉल टी टी है इट मीन्स प्लांट क्या होंगे शॉर्ट। अब वो कहता है कितनी इंपॉर्टेंट बात कि अ सिंगल कॉपी ऑफ टी, अगर एक टी आ गया ना, एक स्मॉल कैपिटल टी आ गया स्मॉल टी के साथ, तो वो काफी है किसी भी प्लांट को क्या करने के लिए, इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी टी टी। अगर आपको शॉर्ट प्लांट चाहिए तो इसके लिए तो दोनों टी टी की कॉपी चाहिए, बट अगर आपको टॉल प्लांट चाहिए ना तो एक कैपिटल टी भी काफी है एक शॉर्ट के साथ प्लांट को टॉल बनाने के लिए। इसीलिए जो कैपिटल टी है वो क्या है, वो डोमिनेंट ट्रेट है, कौन सी ट्रेट है वो डोमिनेंट, और जो स्मॉल है ये कौन सी ट्रेड है रिसेसिव, इट मींस ये डोमिनेंट इतनी नहीं है, तो इसका डोमिनेंस हमेशा ज्यादा रहेगा। सॉरी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास, इतना ही इसमें हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा सिक्स्थ टॉपिक। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।